तेजस्वी जी छपरा में जो है घटना घटी है, गोलीबारी भी मिली है। देखिए सूचना मिली सुबह सुबह और अभी सूचना मिल रही है, सूचना मिली है सुबह सुबह कि दो लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि दो व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, दो और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पर भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। तीन लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने निवेश, तो बिहार जो है बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। आपके बेडरेस्ट वाले बयान पर मोदी ने कसा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेडरेस्ट करने की नौबत ना आए और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। ऐसे बयान देने आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेडरेस्ट ना करा दे जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे, उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। बैड को भी जंगल से जोड़ दे, सब लोगों को बैड खाली कर देना भाई कल से। आप लोग बेड खाली कर दीजिए और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते थे तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया, पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है, 25 करोड़ मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में, पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के? पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे? तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका उनके वोटर इतना इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन दिलवा दी, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। चलिए छोड़िए रोहिणी, छोड़िए छोड़िए।